दिल्ली आना अच्छा जी, हमें दिल में बसाना अच्छा जी, हमें ना बुलाना। जी कहाँ है जी? बुला लिए, पानी की टंकी में हूँ, आते क्या वहीं डुबाता मैं तुमको। और जी आपको मालूम है ना मेरे को स्विमिंग नहीं आती, फिर काय को बोल रहे हैं सा? अरे तुम्हारी जबान कितनी बेखाबू होती जा रही, कितनी बेशरम होती जा रही, इसको काट डालो, उसकी जगह ये टाई लगाओ, थोड़ी पकड़ में रहेंगी। हाजी मैं आपकी बीवी हूँ, निकाह कर को लाया आप, भगा को नहीं लाए। इतने प्यार से मैं बोली कहाँ है जी, बस इतना ही ना। जब से निकाह कर को आया तुम्हारे मुंह में एक ही रिकॉर्ड बज रहा, कहाँ है जी कहाँ है जी। अरे क्या है ये, हैदर भाई कोई मुर्गी का बच्चा है, चूहे का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है कि कहीं भी घुस जाता है? तुम्हें बहुत शक कर रहे मेरे ऊपर, मैं दूसरी लेको आ जाऊंगा, याद रखना। अब्बा दूसरी लाते? आओ। शकल देखी अपने आईने में? 50 बार देखा, आईना भड़क से टूट गया। वही तो बोल रही हूँ, नाश्ता करो चलो। ये नाश्ता इतना तेल वाला, ये चूहा खाया तो हत्ती जैसा हो जाता। शादी से पहले मैं धागे सरी का था, ये खा को मैं तो गोल गुप्पा हो गया। तुम ही खाओ और फटो, मेरे को नहीं खाना, खुदा हाफिज। अरे अरे अच्छा सुनो तुम, पहले तुम्हें मेरे को ऑफिस में फोन नहीं करना। काय को? मेरे मोबाइल का 10,000 का बिल आया, 1,000 मेरे फोन का, 9,000 तुम्हारे काहे जी का कहना नहीं फोन। अच्छा सुनिए ना, बहुत दिन हो गए ना आप मेरे को आई लव यू नहीं बोले ना। बहुत दिन हो गए तुम भी मेरे को ये नहीं बोले, तुम्हारी माँ के घर जा रहे, तुम बोलो तुम्हारी माँ के घर जा रहे, मैं तुमको बोलता आई लव यू, बोलते नहीं बोल सकती ना। क्यों, मेरा मन कर रहा आई लव यू बोलने को? नहीं जी, मैं बोल के तसल्ली कर लेती आई लव यू। हेलो अजी, कहाँ है जी? कब्रिस्तान में आते क्या? हाय खुदा नहीं करे, आपका को है कब्रिस्तान में? तुम्हारे बाबा की खबर खोद को उनके संगात लेटा हुआ हूँ, ताज के पत्ते खेल रहा हूँ, तुम्हें आते जोकर बन के। जी आप कुछ भी बोल देते जी मेरे को। तो और क्या है, तुम्हारे बाबा की खबर पे बैठ को आंसुआ बहा रहा हूँ कि मेरे को फंसा के कैसे बेशर्मों के तरीका टांगा पसार के लेटे हुए हैं। अभी काय को ऐसी बातें कर रहे हैं आप? अरे क्या फिर बोलना, अरे ना टाइम देखते ना बखत, आदमी को 50 काम आ रहते, टेंशन रहते, तुम्हें सुबह हुए तो कहाँ है जी, दोपहर हुए तो कहाँ है जी, रात हुई तो कहाँ है जी, कबाब उनको खाए थे क्या है? जी खुद कौवे के जैसा काय काय कर रहे हैं, मेरे को बोलते हैं कौवा खाई के, मैं तो सेब खा रही हूँ भाई। ऑपरेटर या माटी मिले, लड्डू मियाँ को जरा अंदर भेजो तो मैं ठीक करता आज। सलाम फेंक रहा हूँ। क्या फेंक रहा रे? सलाम फेंक रहा हूँ। सलाम फेंकते हराम खोर, सलाम वाले को बोलना जी जी। और तू अंदर आ। खैरियत तो है ना सरकार? शादीशुदा आदमी कभी खैरियत से रहता? मोटी मिले मैं तेरे हलक में हाथ डाल को तेरे फेफड़े बाहर निकालता। अरे वो लड़की का क्या हुआ, मेरा दूसरा निकाह कब करा रहे तू? अरे सरकार बात पक्की कर को आयो, लड़की का नाम रुखसाना। अच्छा क्या बात, क्या खूबसूरत है जी, चांदी का जिसम मुंह पे असली। उम्र क्या है? आपके साथ चले तो आपकी बेटी नहीं लगती। बोला तेरा बेटा मेरे संगा चला तो मेरा बाप दिखता। अरे ये औरत से मैं बहुत बेजार आ गया, मेरे को छुड़ाए जुलेखा बेगम से, इसे तंग आको एक और मैं खटमल मारने की दवा पी को सो गया था। काय को बचे? क्या बोला? कैसा बचे पूछा? कैसा को काय को बोलता रे? गलती हो गई। क्या मालूम कैसा बच गया, खटमला मेरे को काटते तो खटमल मर जाते, मेरे को मौत नहीं आती। अल्लाह इज्जतदार लोगों को पहले ले जाता सरकार। तू भी बहुत इज्जतदार है, तू कब जा रहा? क्या बोल रहे हैं सरकार? क्या करना है इनका। हेलो जी, कब से ट्राई कर रही हूँ ना, देखो एंगे जा रहा था आपके ऑफिस का नंबर, कहाँ है कि? जू बीच पे हूँ, टहल रहा हूँ। काम छोड़ को? हाँ काम को भी छोड़ को, तुमको भी छोड़ को। जी मेरे को आप कब लेके जाते जू बीच, अकेले चले जाते आप टहलने के वास्ते? अभी क्या करना जुलेखा बेगम, इधर भीड़ बहुत है, लोग बहुत है, तुमको डुबाया तो लोग देख लेंगे मेरे को। अब्बा उन्हें टाइटैनिक थी ना, वो डूब सकती, पर आपकी जुलेखा बेगम नहीं डूब सकती। अच्छा मेरे मौत के ख्वाब न को देखो आप आओ।
कि हमारे ड्राइवर लड्डू मियां सच बोल रहे थे। देखो क्या बोल रहा था ना लड्डू मियां, ये बेशरम इंसान को जल्दी मौत नहीं आती। उन्हें ऐसा बोले? हाजी बेशरम आदमी, बेगैरत आदमी, बेड़ा गरक हो इसका, सत्यानाश हो जाए। अरे कमबख्त मारा, दो दो शादियां कर को बैठा है। मैं तो बोलती हूँ उसकी पहली बीवी की ऐसी बद्दुआ लगनी उसको कि कुत्ते लौटना उसकी खबर के ऊपर। हाजी एक और बात बोलूं उसके बारे में, हाजी उन्हें ना अपने आप गाड़ी में बैठना, गाड़ी चलना और रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाना, और उसके बाद रेल आके उसके ऊपर से चढ़ को चले जाना। कमबख्त मारा, ठिठरावा चुसावा आम। खैरियत से ना? अरे मैं तेरे पांव को हाथ लगाता रे, मेरा दूसरा क्या करा रे। हाँ जी। जी कौन है नो? आदाब। नई दुल्हन। इधर आके बताओ मेरे को किसकी दुल्हन? ये मैं। हाँ रुखसाना नाम है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आपके यहाँ बड़ी आपा है ये? कैसे कि इनकी बड़ी आपा हो गई मैं? अल्लाह मैं तो लुट गई जी, बर्बाद हो गई मैं। अजी मैं क्या की थी, खाली इतना पकड़ दो, इतने प्यार से बोलती थी जब मैं आई लव यू बोलती थी ना, और क्या बोलती थी जी, इतने प्यार से पुकारती थी, कहाँ है जी अल्लाह। मेरी इतनी सी गलती की आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं, इतनी अच्छी चिड़िया के घोंसले में नागिन बिठा दिए लाखों। तुम क्या कर रहे हो रुखसाना बेगम? रुखसाना नाम नहीं है जी, मेरा जुलेखा नाम है। हाँ, मैं भूल गया। हाँ, आप इसे भूल गए, अल्लाह मेरे खुदा। अरे तुम ऐसा बोमने मारेंगे तो दुल्हन पे तुम्हारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा? अरे इंप्रेशन क्या पार में जी। आपके दुल्हन आई है, 50 रुपया मुंह दिखाई का दो। दिखाई दूंगा नागिन को मैं, आप मेरा मरा मुंह देखो और उस पे कबर पे मेरी 50 रुपए लाके डालो जी। अच्छा, अच्छा बोल रहे जी। तमन्ना पूरी कर रहा तुम्हारी मैं। अजी तमन्ना का है कि पूरी तिलक दुमिया तुम्हारा बेड़ा कर रखो जी, तुम्हारी जनाजे पे कबर पे कीड़े लटे सांप लटे। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? अपने हाथ से दुल्हन को ऊपर ले जाओ, मिठाइयां बांटो, ढोल ताशे बजाओ। जी बजाती ढोल अभी तुम कमरे में तो आओ, देखो कैसा ढोल बजाती, तुमको तो देख जी सांप पे चूसा काटते। ऐसा ना को करो रुखसाना बेगम। रुखसाना हाँ वही जुलेखा। अरे रुको मैं आ रहा। अरे क्या कह जी, कहाँ जा रहे हैं? वो कितनी बोमड़े मार रही देखो। अरे तुम नए दूल्हे, दुल्हन के पास नई दुल्हन के पास ठहरना जी। ओ मैं इसकी गड़बड़ में भूल गया कि मैं दूल्हा हूँ। मैं संभाल लेता हूँ। संभाल मारो मारो खाए तो वही रहना तू। मेरा कलेजा बहुत फड़फड़ा रहा है। काय को? इनो कुछ करेंगी तो नहीं ना? कुछ नहीं करती जी, शेर कभी कीचड़ की भभकियों से डरा? नको डरो। सुनो जी, पर आपने दूसरी निकाह के वास्ते आपा की इजाजत लिए थे ना? हाँ पहली रात को ही ले लिया था, जब इनो मुझसे पूछे कहाँ है जी। कैसा निकाह कर को आ गए देखो नागिन के साथ। भाभी जान क्या कर रहे जी, क्या कर रहे? अजी गिरे हुए इंसान, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। खुद तो दो दो निकाह कर को बैठे, मेरे शोहर को भड़का के उनकी भी दो शादियां करा दिए। अल्लाह देखो कैसा बर्बाद हो गई मैं। करो जी, मेरे जोरों की कसम खा को बोल दो। छोटी कसम मत खाओ, दोनों मर जाएंगी। अल्लाह की कसम हो समझाया, नक्को सरकार नक्को, दूसरा निकाह नक्को करो। देखो मैं दो निकाह करो ना, मेरे को नहीं मालूम पड़ता मैं जिंदा हूँ या मुर्दा। बोला मैं कहाँ सुनते, अरे नौकरी से निकाल दूंगा। अब मैं क्या करूं, लेके आया रुखसाना को निकाह, करा डाल। अब करा डाले ना। अब माई जी के क्या करूंगी, मर जाती मैं भी। मर जाते? कब मरते? बहुत हरामी है आप। मेरा मतलब काई को मरते, मर को क्या फायदा होता मेरे को बताओ, तुम्हारे को क्या फायदा होता? यही ना, चार आदमी कंधे पे लेके कब्रिस्तान को जाते, खड्डा खोदे, अंदर डाले, नमर डालो, मिट्टी डालो, बराबर घर को आते भातिया पढ़ लेते। दूसरे दिन रुखसाना बेगम सरकार के बगली में हाथ डाल के अरे बाजार में निकल जाती चूड़ियां खरीदने। हरी हरी नक्को बोलो ऐसा तो, नक्को बोलो, सारे कपड़े ले लेती, सारे जेवर तुम्हारे ले लेती। नहीं देती मैं, आखिरी बार देख लो इसको। आप सही बोल रहे हैं जी। हाँ ऐसा ही छोएंगा, ऐसा ही छोएंगा। अल्लाह
देखो मैं गुस्से में आके आपको क्या कुछ बोल डाली ना लड्डू भाई जान जी। अब मैं क्या करूं आप मेरे को बताओ। मैं जो बोले वो करते, मेरे भेजो को मानते ना तुम? ऐसी सिचुएशन में मानना पड़ता ना। हाँ तो देखो क्या करो, अब सुनो, अब तुम्हारी गाड़ी पटरी पे आ गई, इंजन सामने, लास्ट डब्बे में रुखसाना, सामने के डब्बे में सरकार, चला इंजन। सरकार तुम्हारे पीछे इंजन को चिपके रहते। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे डब्बे में बम रख देती। मेरा डब्बा तुम्हारे डब्बे के साथ है ही नहीं। क्या घूंघट काढ़ को बैठे हैं? लगा? हाँ। लकड़े का लग रहा? क्या जमाना आ गया है, फूल भी नकली उग रहे हैं, लगता कयामत करीब है। शी क्या घंटा काढ़ को बैठी हैं? जरा चेहरा तो दिखाओ, ऐसा नक्को करो, ये चांद सा चेहरा एक बार मेरे को दे। चुड़ैल देख लिए क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे? अजी मेरा कमरा है, मेरे से पूछे क्या कर रहे? तुम्हारा कमरा नहीं है, ये रुखसाना का कमरा है। रुखसाना का कैसे हो जाता? मेरा था ना पहले। आज से रुखसाना बेगम का है। उसके बाबा उसको जहेज में दिए? नहीं, उसको मैं दिया ये कमरा। हाँ आप उसके बाबा है। तुम्हारा आप कुछ भी बोलते ही, मेरे शोहर को मेरे अब्बा बोलते ही शर्म नहीं आती आपको? नागिन मैं तेरे जैसी बेशरम हो गई हूँ, समझी? अच्छा चलो तुम मार निकलो अभी। नहीं जाती मैं, पहले मेरी बात सुनो। क्या है? अजी अच्छा खासा बसा बसाया मेरा घर इन्हें नागिन आके बर्बाद कर दी। सुन इन्हों मेरी जिंदगी खराब की है, तबाह कर दी है, तेरी जिंदगी भी ऐसी कर देते इन्हों। इन्हों क्या बोलती देखो मेरे शोहर के खिलाफ? निकलो जी आप मेरे कमरे से बाहर निकलो। अरे कैसे हो गया तेरा कमरा? मेरा है ये कमरा, तेरे शोहर का है कि पहले मेरे शोहर है इन्हों? मेरे भी तो है। चलो जी हम छत को चलते। अजी कहाँ जा रहे जी? छत पर। अरे मैं जा रहा हूँ उसके साथ छत पे। नहीं जी चलो जी। अरे मेरे है उन्हों। अरे मेरे भी तो है उन्हों। रख रहे इन्हों मेरे को छोड़ के। अरे छत पर उसके साथ कैसे जाते हैं? खुद ही मारने दो उसको छत पर से, मर जाएंगे उन्हें। अरे तू मर। क्या हाल बना दिए मेरा, फूल ले को सेंट लगा को गाना गुनगुना को मैं अंदर गया था, क्या बना को बाहर भेज दिए दोनों। दूल्हा बन को गया था, चूल्हा बन को वापस आया, खाली अंगार लगाने की देर है बस। लानत है इसी दो दो शादी पे। आज से पेट्रोल और डीजल और महंगा। अजी चाय, अजी चाय दो दो। अजीब पहले मैं लेके आई ना, और इसमें मैं जहर नहीं डाली हूँ, इसलिए आप ये पियो। अजी मैंने भी इसमें जादू टोना कर को नहीं लाई, पहले ये पियो। अजी सुनिए आपको मेरे सर की कसम, अगर आपने मेरे हाथ की चाय नहीं पिए ना तो देखो। अजी आप मेरा मरा मुँह देखो, जो आपने मेरे हाथ की चाय नहीं पिए तो। अजी आप इसको समझाओ ना, आप मेरी शक्ल देखो, मेरा हक पहले बनता है ना। इसको बोलिए ये घर में पहले मैं आई हूँ। इनो सच बोल रहे, इनो घर में पहले आए। मैं ये चाय पी के अपने प्यास बुझा लेता। देखो जी पहले बाद में छोड़ो, जब आपको ये कंप्यूटर मिल गया तो ये पुराने टाइपराइटर को बाहर उठा को फेंक दो। तो मेरे को टाइपराइटर की पुरानी मशीन बोली? अरे कमबख्त मारे तेरा मुंह नोच लूंगी मैं देख। आपा मैं सवेरे सवेरे झगड़ा नहीं करती, प्यार करती अपने मियाँ से। लो चाय पियो। अगर आप ये चाय पिए ना तो मैं ये गरम प्याला है ना ये आपके मुंह पे फेंक दूंगा। आपा अगर तुम मेरे शोहर के मुंह पे चाय फेंकी ना तो देख लेना मैं भी गरम गरम चाय तुम्हारे शोहर के मुंह पे फेंक दूंगी। अब्बा तू फेंकेंगी? हाँ फेंक के बता। पहले तू फेंक के बता। नहीं पहले तू फेंक के बता। अरे तू बड़ी है ना तू बता। मेरे को चैलेंज कर रही तू? करती देख बताती तेरे को फेंक के। अजी कहाँ गए जी? जन्म में यहाँ घर से अच्छा है। लड्डू मियाँ मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है ना। क्या बोले घर बड़ा है गाड़ी बड़ी है, बड़े बड़े के चक्कर में आ गई माए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब कहाँ जाऊँ माए, क्या करूँ माए। अरे रोना बंद करो जी। अरे
मैं बोले वैसा सुनते है क्या? तो फिर मैं एक रास्ता बताता हूँ, देखो। क्या रास्ता? जहर खा लूँ मैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। जहर का क्यों खाते? दुश्मना जहर खाना तुम्हारे। तुम सरकार को बोलो मैं तुम्हारे को तलाक दे डालती हूँ। अरे उन्होंने हाँ बोले तो? अरे कहाँ से हाँ बोलते है, इज्जतदार आदमी उन्होंने इज्जत को पकड़ को ढांप को चलते, इज्जत को पकड़ को ढांप को चलते। तुम धमकी देना तलाक की, इधर धमकी दिए इधर मोहब्बत बढ़ती देखो। लबालब 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 ताजमहल के बाजू दूसरा ताजमहल बनाते तुम्हारी याद में। हो हंसना मत। अरे लड्डू मियां, बहुत अच्छा आइडिया दिया ना आप मेरे को। अब देखो आप, आज रात कोई मैं तलाक दे देती हूँ उनको। मैं बोल रहा हूँ ना जी भाभी, टूट को प्यार करेंगे आपको पहले क्या जैसा कितना प्यार करते थे नहीं? अरे चार मीनार के ऊपर जाने का परमिशन नहीं मिलता, जाको गवर्नमेंट से परमिशन ला को तुम्हारे ऊपर ले गए, हैदराबाद नहीं दिखाए। हाँ याद है ना मेरे को लड्डू मियां। अरे कब से बोल रहे हैं कि कुतुब मीनार का परमिशन लाता हूँ, पूरी दिल्ली घुमाऊंगा, पर ये बिल्ली आ गई ना। अरे तलाक की धमकी दे डालो, पेरिस के टावर का परमिशन लेकर आते फिर उन्हों। हाँ लड्डू मियां, फिर तो ठीक है, देखो आप आन दो उनको। सुनो जी, मैं आपसे निकाह से पहले पूछी थी ना, आप आपा से इजाजत लिए, आप हाउ बोले मेरे को, घर में आके पूछी आप हाउ बोले, जब जब पूछी आप हाउच बोले, आप झूठ बोले मेरे को, आप सच्ची सच्ची बोलो मेरे को, मेरी कसम खा को बोलो, आप आपा से इजाजत लिए थे ना? अरे नहीं बाबा, मैं कसम खा को बोलता, मैं इजाजत नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। बस, 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 समझ गई। अल्लाह अल्लाह, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, इनो पहली बीवी से इजाजत नहीं ली, इनो गुनहगार है, मेरा कोई कसूर नहीं, अल्लाह मुझे माफ करना अल्लाह। खैरियत से सरकार। अरे जिल्लत के मारे मेरी जिंदगी बर्बाद कर को पूछ रहा कि मैं खैरियत से हूँ, मैं तेरे को खैरियत दिख रहा क्या? अरे क्या सर पे हाथ लगा के बैठा जी, सारा टेंशन दूर कर को आए हो? क्या वो दोनों को गोली मार को आया? अरे सुनेंगे तो हिल जाएंगे तुम। मैं पहले ही बहुत हिला हुआ हूँ, और कितना हिलाता? क्या बोलते सरकार, बड़ी भाभी छोटी भाभी दोनों मिलके आपको तलाक बोलने वाले हैं, आप एकदम उनको हाँ तलाक बोलना, मैं तीसरी ढूंढ को लेकर आता हूँ। तीसरी ढूंढ को लाता? वो तीसरी गई तो चौथी ढूंढ को लाता रे, तो क्या मेरे जनाजे को औरतों से कंधा दिलवाएगा क्या? अरे पहले हाँ तो बोलो जी तलाक उनको, फिर देखो तीसरी क्या ढूंढ को लाता हूँ। नगीना नगीना नगीना, ये भी जब आए थे तो नगीना ही थे, बाद में नागिन बन गए, क्या डस के मारे पूरा नीला कर दिया मेरे को, ये शर्ट में सफेद पहन को निकला था, नीली हो गई ऑफिस आते आते, मैं हौला हो गया हूँ, कभी ये ट्रेन पकड़ता कभी वो ट्रेन पकड़ता, मेरे को मालूम ही नहीं मेरे को जाना किधर है। अरे अल्लाह अल्लाह, ये पहले हाँ तो बोलो जी, ये तीसरी ट्रेन आपको आपके मुकाम पे पहुंचाती। मर गई आपा। अल्लाह ऐसा ना को बोलो, नाराज ना को आपा, मैं घर को छोड़ को जा रही हूँ। बहुत अच्छा कर आपा, मैं यहाँ आपकी जिंदगी तबाह करने को नहीं आई थी, हमारे शौहर ने मेरे से निकाह करके मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किए आपा, मेरी शादी नहीं हुई थी, लोग बहुत दहेज मांग रहे थे, और घर में मेरी पांच पांच छोटी बहना अब तक कुंवारी बैठी हैं, हमारे शौहर बहुत नेकी का काम किए, उन्हें मेरी दो दो बहना की शादी करा के दे रहे, अब मैं और उनको कितना परेशान करूं, इस वास्ते मैं घर को छोड़कर जा रही हूँ, खुदा हाफिज। रुखसाना, अब क्या तुम मेरे को रुला के रहेंगे? नहीं अपा। अरे मेरे से एक तो पहले इतना बड़ा गुनाह हो गया, मेरे शौहर
इतना बड़ा नेकी का काम किया और मैं उनके साथ ऐसा सुलूक करी। रुखसाना, तुम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं आपा, मैं जा रही हूँ। मैं बोली ना नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगी आपा। चुप करो, मैं बोली नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हम दोनों भी ये इस घर में रहेंगे, बहना बन के, समझे? आपा कितने अच्छे हो। जी रहने दो भैया। कहाँ है कि तुम्हारा बैग? इधर है। हेलो अजी, कहाँ है जी? तुम्हारा कहाँ है जी? आज मैं आखिरी बार सुन रहा हूँ बस। अजी मैं आपको ऐसी खबर दूंगी कि आप खुशी से हौले हो जाएंगे। तुम्हारी बात पे मैं कभी खुश होता? कभी नहीं। अजी कैसे नहीं होते हैं? आप पहले सुनो तो सही। मैं और रुखसाना बेगम फैसला कर लिए, जिंदगी भर हम लोग दोनों साथ में रहेंगे। कसम खा ली हम लोगों ने। अजी अब तक मैं पूछती थी ना कहाँ है जी, अब उन्हें भी पूछेंगी कहाँ है जी। मैं मौका ही नहीं देने वाला। एक मिनट। हेलो अजी, कहाँ है जी? अरे हंसना मत यार।